हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से। आज तीसरा दिन था रावलपिंडी टेस्ट मैच का, और आज का दिन भी पाकिस्तान के बॉलर्स के नाम। सीरियसली आउट क्लास बॉलिंग कराई पाकिस्तान के बॉलर्स ने, स्पेशली नसीम शाह। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूँ कि पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने आज के दिन तीसरे दिन क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान ने कल 109 रन की लीड ली थी, और पाकिस्तान ने आज 109 रन की लीड से ही कंटिन्यू किया। बाबर आजम बहुत अर्ली आउट हो गए, पहले ओवर में बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम ने 143 रन की इनिंग्स खेली, और हारिस सोहेल ने 75 रन बनाए, रिजवान ने 10 रन बनाए, यासिर शाह ने 5 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी ने 3 रन बनाए, अब्बास ने 1 रन बनाया, नसीम शाह ने 2 रन बनाए, और पाकिस्तान की पूरी टीम 445 रन पर बोल्ड आउट हो गई। जब बांग्लादेश की बैटिंग आई, और आज जो है अबू जावेद ने 3 विकेट ली, रोबेल हुसैन ने 3 विकेट ली, ताजुल इस्लाम ने 2 विकेट ली, और इबादत हुसैन ने 1 विकेट ली। और बांग्लादेश का आज फ्लॉपी सा स्टार्ट था, और बांग्लादेश ने आज कुछ भी नहीं किया, और फिर से उनके ओपनर से फिर कुछ किया, फिर ओपनर्स के बाद उनके 50 रन की उनकी मिडल ऑर्डर की पार्टनरशिप लगी, लेकिन फिर एक कोलैप्स। नसीम शाह ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। आज पहले स्कोर कार्ड शेयर करूँ क्या हुआ है। तमीन इकबाल ने 34 रन, सैफ हसन ने 16 रन, शांडू ने 38 रन, मोमिनुल हक ने 37 रन, ताजुल इस्लाम अंडे पर आउट, मोहम्मदुल्ला अंडे पर आउट हुआ, और मोहम्मद मितन भी अंडे पर आउट हुआ, और लितन दास अभी नॉट आउट है, और बांग्लादेश के 126 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हैं, और बांग्लादेश को अभी भी 86 रन का ट्रेल है। और आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। आज नसीम शाह ने 4 विकेट ली, और यासिर शाह ने 2 विकेट ली। पाकिस्तान को 4 विकेट और चाहिए, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। और अभी भी बांग्लादेश काफ़ी बिहाइंड है, बांग्लादेश को अभी भी 86 का ट्रेल है, और फिर उसके बाद वो लीड निकालेंगे, तो बांग्लादेश के लिए आज काफ़ी मुश्किल हो गई। और यार, नसीम शाह ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। यार, नसीम शाह का जो स्पेल था ना, उसने आज हैट्रिक भी की, 3 विकेट ली, जिसमें ताजुल इस्लाम को, मोहम्मदुल्ला को, और साउंडर को उसने आउट किया, और काफ़ी अच्छी पेसी के साथ बॉलिंग कराई। 146 तक आज नसीम शाह ने बॉलिंग कराई। सीरियसली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, और आज यासिर शाह ने भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग कराई, और तमीम इकबाल को उसने अंडर प्रेशर रखा, तमीम इकबाल उस पर रन ही नहीं कर सका, और तमीम इकबाल को भी आउट किया। और सीरियसली पाकिस्तान ने 6 विकेट लिए, लेकिन आज जो है ना, बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में रखा और गिरफ्त में रखा, और ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान गिरफ्त में, और पाकिस्तान अगर कल अर्ली स्ट्राइक घंटे के अंदर स्ट्राइक कर लेना, तो पाकिस्तान ये मैच एंड इनिंग से भी जीत सकता है। लेकिन बांग्लादेश को अभी तक कमज़ोर मत समझे, क्योंकि अभी भी उनके पास बैटिंग है, क्योंकि लितन दास अभी भी खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अभी भी चाहिए कि आज दिन ख़त्म हुए ना, कल आए फास्ट बॉलर से अपने अटैक करें, क्योंकि अब्बास भी कल नई फॉर्म में होगा, नसीम शाह भी फॉर्म में होगा, शाहीन शाह भी फॉर्म में होगा, और फुली फिट होंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश दिन होगा, फ्रेश विकेट भी फ्रेश होगी। पाकिस्तान अर्ली स्ट्राइक कर लेना है तो बांग्लादेश पर एक तरह से पंजे जबाड़ लेगा, और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच एंड इनिंग से भी जीत सकता है। सीरियसली पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। नसीम शाह यंगस्टर यार, उसने तीसरी इनिंग्स में जो कराची टेस्ट हुआ था, उसमें भी 5 विकेट ली थी, और उसने आज भी 4 विकेट ली है। मुझे लग रहा है ये फिर 5 फाइफर लेगा, और पाकिस्तान ये मैच भी एंड इनिंग्स जीतेगा, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश 86 रन बिहाइंड है, और बांग्लादेश के पास खाली 4 विकेट रहती है। यार सीरियसली आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हाइप वाला गेम था, क्योंकि पाकिस्तान का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पहले के दूसरे ओवर में बाबर आजम की विकेट गई, और बाबर आजम 150 नहीं कर सके, लेकिन फिर आज हारिस सोहेल ने 75 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, और पाकिस्तान को 445 तक पहुंचाया। लेकिन आज पाकिस्तान की बॉलर्स ने आज तबाहकुन बॉलिंग कराई, स्पेशली नसीम शाह ने यार हैट्रिक की यार, वो 16 साल का यंगस्टर बच्चे जिसने हैट्रिक की, सीरियसली आज आउटस्टैंड। नसीम शाह को थम्स अप दो, इस वीडियो को भी थम्स अप दो। सीरियसली तीसरा दिन नसीम शाह के नाम और पाकिस्तानी टीम के नाम। तो आज की वीडियो में तो ही, प्लीज़ मेरी वीडियो का लाइक करो, मुझे इतना सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोग के लिए डेली व्लॉग्स, क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पे करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।